300 साल जीने के लिए संकल्पित होने वाली पूजा को भी और 200 साल के लिए संकल्पित होने वाले हुसैन को भी। प्रिया जी के लिए भी। तो प्रिया जी आप तो 150 साल जिएंगी, हुसैन और हम 200 साल की तैयारी करते हैं। बाई तरफ जो प्राणायाम कर रही है इसको तो छोटी सी उम्र में ही क्या हो गया था बेटा? उसको माइनर थैलेसीमिया है, तो पीरियड्स में डॉक्टर ने बोला था आपको हर टाइम पे दवाई लेनी पड़ेगी जिससे आपको ब्लीडिंग कम हो, नहीं तो खून कम हो जाएगा। अब क्या हाल है? अब मैं पिछले साल यहाँ पर आई थी और उसके बाद से मैंने, मुझे एक साल हो गया, मैंने एक भी दिन कोई भी दवाई नहीं ली। और आज जैसा आपने बताया था सुबह खाली पेट सेब अनार गाजर और चकुंदर खाती हूँ। अब खून भी कम है और मुझे पीरियड्स में भी खून भी ठीक है। अब कितना है? अब 10.5 आया था। अब माइनर थैलेसीमिया भी अच्छा कर लिया और पीरियड भी ठीक। अब पीरियड भी कुछ भी नहीं होता। और इस बेटी को तो इसका तो कैरियर ही खत्म हो गया था। क्या हो गया था बेटा? जी मुझे लिवर सिरोसिस डायग्नोस, जी 7 महीने पहले डायग्नोस हुआ। और यूट्रस में? यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। और अब इसकी जिंदगी कहाँ 150 साल, ये तो कितनी उम्र है? 37 में ही बुरे हाल हो गए थे। जी बिल्कुल, मेरा करियर सच में छोड़ करके, जी 6 साल छोड़ करके आ गई थी। 6 साल से दुबई में मिला। कल एक्चुअली लोग पूछते थे कि क्या आपको फायदा हुआ। कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। अब एसजीओटी एसजीपीटी कितने? 39.1। चलो भाई, पिछले साल ये 300 ऊपर था, अंडर कंट्रोल आ गया। जी बाबा जी बहुत खुश है। और इसने तो कमाल ही कर दिया अर्चना ने तो। जा बेटा अपने स्थान पर जा। प्रणाम बाबा जी। मेरे दिमाग में कीड़ा हो गया था। दिमाग में कीड़ा? दिमाग में कीड़ा, विचार वाला कीड़ा नहीं, असली वाला कीड़ा। असली वाला कीड़ा तो मेरी मेमोरी चली गई थी, तो पर्टिकुलर चीजों के नाम मैं लेना भूल गई थी। तो फिर जरूर शुरू में मैंने एलोपैथिक दवा तो की, लेकिन फिर हमें उससे कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ। एलोपैथिक की दवा कोई नहीं, दिमाग का कीड़ा मारने के लिए, पेट के कीड़े तो मर जाते हैं। हाँ, फिर बाबा जी आपको फॉलो किया हम इंडिया टीवी देखते हुए, और हमने इंडिया टीवी देखते देखते कपालभाती अनुलोम विलोम सब किया और मैंने अपने को पूरी तरह से ठीक कर लिया है। दिमाग का कीड़ा और क्या ठीक किया? और अर्थराइटिस ठीक किया बाबा जी, वो भी हमने, उसकी तो मैंने दवा भी नहीं ली, कोई भी दवाई नहीं ली। योगासन और प्रणाम से करीब 20 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। जोरदार। और हुसैन भाई हमारे अयोध्या के हैं, तो जय श्री राम। मैं भी अयोध्या। क्या बात है। तो हमारा प्रणाम कहिए उनको भाई। आपका देखो, आपका जन्म कुंडली तक पता है सबको। हुसैन भाई को मैं देखती रहती हूँ। चलो बहुत अच्छी। तो एक तो ताड़ासन से हमने शुरू करवाया और फिर अब सूर्य नमस्कार रोज 10 बार करना है, वहां से आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर बेटी आई हुई है, उससे बाद में बात कराएंगे। उसकी माँ को कैंसर था, 15-15 दिन अब यहाँ रह करके जाती है मुन्नी देवी। उसने अपना कैंसर ठीक कर लिया, लास्ट में खड़ी हुई है, बड़ी मुस्कुरा रही है। और तुम भी कर रहे बेटा, नहीं तो तुमको भी चपेटे में ले लेगा ये कैंसर, ये बीपी, ये शुगर, ये जेनेटिकली आगे बढ़ते रहते। इस चैन को तोड़ना है और फिर 100 साल जीना है। कितने साल जीना है भाइयों? 100 साल। हाँ, आज सब बहनों की तरफ ही ज़्यादा हमारा ध्यान था कि ये 100 साल तक जिए, लेकिन आप भी 100-125-150 साल तक जियोगे। 150 तो विज्ञान ने मान लिया है। महर्षि दयानंद ने वैदिक काल में कहा कि 400 साल तक लोग जिया करते थे, लोग बड़ी मजाक उड़ाया करते थे। अब तो विज्ञान भी कह रहा है ठीक से चलोगे तो 150 साल तो जी ही लोगे। बस इसके लिए एक जीवन का सात्विक प्रवाह, एक रिदम है, वो टूटना नहीं चाहिए। रोज योग करना है, अच्छा आहार लेना है, अच्छा विचार करना है। एक निसर्ग के कुछ सिद्धांत हैं, प्रकृति के मूल सिद्धांत हैं, उनको हमें छोड़ना नहीं है। भगवान के विधान का, यूनिवर्सल लॉ का हमें अतिक्रमण नहीं करना है। सात्विक आहार, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्म से, युक्त स्वप्नाओ बोध से, योगो भवति दुखाय। हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट, हमारा दोपहर का खाना लंच, हमारा डिनर, इसका टाइमिंग और उसका आकार प्रकार, उसमें नेचुरल चीज़ों का समावेश करना है। और इसमें एक अलग प्रकार का स्वाद होता है। देखो कृत्रिम चीज़ों का भी एक स्वाद होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। जो जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं उसका भी एक स्वाद होता है, लेकिन वो स्वाद आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। थोड़ी देर का मज़ा, ज़िंदगी भर की सजा, उससे बचें। तो ब्रेकफास्ट में क्या लें? 7 दिन का एक रूटीन बना लें,
एक दिन मुझे खीरा करेला टमाटर का ऐसे ही खीरा करेला टमाटर लौकी का जूस पीना इतना स्वादिष्ट रहता है, कभी जिंदगी में बीपी शुगर नहीं होगा। ये लाइफ स्टाइल डिजीज धीरे धीरे आपके शरीर को जर्जरित करती है। एक दिन मुझे दलिया खाना है और वो भी जो का दलिया हो या मल्टीग्रेन दलिया हो तो और ज़्यादा अच्छा है। एक दिन मुझे इडली सांभर कुछ खाना है तो खा सकते हो। एक दिन जो है पराठा भी लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन अगले दिन फिर अंकुरित खा लेना, अगले दिन जूस पी लेना, एक दिन फ्रूट खाना खा ली, एक दिन जो है कॉर्नफ्लेक्स आदि खाने तो एक दिन वो भी खा लो। एक जैसा ब्रेकफास्ट नहीं, 7 दिन का एक रूटीन बना लो कि 7 दिन ऐसे, जैसे हमने अपने पतंजलि गुरुकुल में आचार्य कुलम में यूनिवर्सिटी में एक मेन्यू बना रखा है कि 7 दिन का ये ब्रेकफास्ट हो, उसमें स्वादिष्ट भी होता है और उसमें पोषण भी पूरा होता है। ऐसे ही हम जो कर ना सके ये कठिन आसन तो कोई बात नहीं, मतलब ये हुआ स्वामी जी, दंड बैठक भी लगा लो 100 साल तक, ये घुटने धोखा नहीं देंगे, कमर धोखा नहीं देगी, गर्दन धोखा नहीं देगी, ऐसे ऐसे कर ले। अब अच्छी सेहत चाहिए करो उल्टे लेट जाओ भुजंगासन, तो मेहनत तो उसके लिए करनी ही होगी। शतायु जीवेत, अब स्वामी जी 140 साल तक जिंदगी जीने का टारगेट सेट हो गया है। हालांकि बहुत पहले एक बाबा हुए टीवी वाले, उन्होंने कहा था बाबू मुशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, हमें इसका भी ख्याल रखना है।